आपसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11। इन वन प्लस एक्स टू द पावर एन, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर माइनस वन, ए टू द पावर आर एंड ए टू द पावर आर प्लस वन। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोफिशिएंट लिखना आना चाहिए। आपसे मैंने ये कहा था इन ए प्लस बी टू द पावर एन आवर जनरल टर्म इज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, जनरल टर्म। तो हमारा जो कॉफिशेंट होता है वो ये होता है, न्यूमेरिकल पार्ट। अगर आपके पास यहाँ नंबर्स नहीं है तो ये हमारा है, तो इसका मतलब क्या है, एन तो आपको मिल ही जाएगा बिकॉज इट इज पावर, तो मेन पार्ट क्या है आर। मैंने आपसे कहा था कि आप आर को कैसे पहचानेंगे, आप आर को पहचानेंगे आपको अगर पोजीशन गिवन है, आपसे कह दे 20th टर्म, आपसे कह दे 50th टर्म, आपसे कह दे आर टर्म, आर प्लस वन टर्म, तो हमेशा इट विल बी वन लेस देन दिस पोजीशन। ये आर प्लस वन है तो ये, और अगर ये आर माइनस वन है तो ये आर माइनस टू हो जाएगा, वन लेस। अगर ये आर प्लस वन तो आर वन दूसरा, या फिर यहां से आपको मालूम होगा अगर आपके पास सेकेंड टर्म है तो उसकी पावर इज आर, तो यहां आप चेक करिए ए आपका सेकेंड टर्म है और यहां ए की क्या है, ये पावर है, तो इसका मतलब जो इनके कॉफिशियंट्स होंगे वो एज इट इज होंगे एन सी आर माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बस ये एक होती है, आपने सही से लिख लिया तो आंसर आ गया, तो कॉफिशियंट क्या हो गया एन सी आर माइनस, और इसका कॉफिशियंट क्या होगा एन सी आर, और इसका कॉफिशियंट क्या होगा एन सी आर प्लस वन। बेटे अगर आपने ये लिख लिया क्वेश्चन हल, आपको क्या कह रहा है इन ए पी दीज कॉफिशेंट्स आर इन, प्रूव दैट, जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आपने अगर लिखा नहीं, अब तो आगे सिर्फ कंडीशन लगानी है। ए पी की कंडीशन क्या होती है, ए पी की कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर सेम। क्यों भाई ए पी अगर लिखते हैं 3, 5, 7 तो आपके पास क्या होगा 5 - 3 इज सेम है 7 - 5, तो ए पी का रूल लगाओ सॉल्व कर दो, एन सी आर का फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर इफ दीज आर इन ए पी तो आपके पास आ जाएगा बेटे एन सी आर माइनस एन सी आर माइनस वन इज सेम एज एन सी आर प्लस वन माइनस एन सी आर, सो एन सी आर एन सी आर ट्वाइस एन सी आर, यस, एंड दिस वन एन सी आर दिस साइड एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन, यस। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एन सी आर, एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, यस शाबाश, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल, सेम ईयर बेटे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, माइनस हो जाएगा ये माइनस वन फैक्टोरियल एंड आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल, सही है। अब आप n फैक्टोरियल कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको ये चेक करना नीचे आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ देखो, यहाँ आपके पास n माइनस आर है, यहाँ आपके पास n माइनस आर माइनस वन है और यहाँ आपके पास n माइनस आर प्लस वन है, तो स्मॉलेस्ट ये है n माइनस आर माइनस वन, तो आपको इसको भी एक्सपेंड करना है और इसको भी एक्सपेंड करना है। सेम यहाँ आपके पास क्या है r, यहाँ आपके पास क्या है आर प्लस वन और यहाँ आपके पास क्या है आर माइनस, तो इनको भी आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, कैसे करोगे देख लो, चलो इनको भी बाद में कैंसिल करेंगे, तो टू एन फैक्टोरियल, क्या हम एन माइनस आर को आउट कर दें बाहर ले लें और इनसाइड रह जाएगा एन माइनस आर माइनस वन, यस और नो। अगर आप एक टर्म बाहर लेते हो तो ये तो फिर कॉन्सिक्यूटिव है तो माइनस वन हो जाता है, आर को अगर आप आउट करोगे बेटे तो आर माइनस वन रह जाएगा, यस और नो। यहाँ आपके पास बेटे n फैक्टोरियल है, यहाँ आपके पास ये स्मॉलेस्ट है n माइनस आर माइनस वन, लेकिन यहाँ आपके पास r प्लस वन है, तो आप r प्लस वन को आउट करेंगे तो r रह जाएगा, r को आउट करेंगे तो r माइनस वन रह जाएगा, यस और नो। अच्छा यहाँ आइए, n फैक्टोरियल एज इट इज़ बेटा जी, आपके पास क्या है n माइनस आर प्लस वन द लार्जेस्ट टर्म,
तो n माइनस आर प्लस वन को बाहर करिए तो n माइनस आर रह जाएगा, n माइनस आर को भी बाहर करिए तो n माइनस आर माइनस वन रह जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ तक सही है। अब आप प्लीज़ ज़्यादा ध्यान से देखिए, आपके पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, n फैक्टोरियल, और n माइनस आर माइनस वन कॉमन आ जाएगा, है ना भाई, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, तो हमारे पास इनसाइड क्या रह गया, यहाँ पर रह गया वन और यहाँ पे क्या रह गया, r प्लस वन इंटू आर, ये आपके पास रह गया। और फिर आपके पास क्या रह गया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया बेटे, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, है ना भाई, और क्या रह गया, एन माइनस आर, और क्या रह गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास साइड आ गए। अच्छा इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास है टू, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, आर इंटू आर माइनस, अब आप कैंसिल कर दीजिए बेटे, आर माइनस वन फैक्टोरियल से और एन माइनस आर माइनस वन से और एन फैक्टोरियल से, तो व्हाट वी हैव नाउ, टू अपॉन एन माइनस आर इंटू आर, ठीक है। आप एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व करिए। चलिए यहाँ देखिए ज़रा, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया टू एन माइनस आर इंटू आर, टू अपॉन एन माइनस आर इंटू, ये बस, और हमारे पास क्या है इधर साइड में, हमारे पास है टू अपॉन एन माइनस आर इंटू आर, आपके पास यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एज इट इज आर प्लस वन इंटू आर एन माइनस आर प्लस वन इंटू, ठीक है बेटे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ आएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, एन इंटू एन एन माइनस आर, तो माइनस एन आर, आपने इसको इससे किया, नाउ माइनस आर इंटू एन एन आर अगेन माइनस माइनस, ठीक है, वन से करिए प्लस और माइनस, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, मल्टीप्लाई करिए बेटे, आर इंटू आर आर स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास, ये सुन दो, फिर आप चेक करो बेटे, एन माइनस आर से और आर से, अब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके टू से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, एन आर इंटू सो टू एन आर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई टू, फिर मल्टीप्लाई करो आर, फिर वन से करो एन, फिर वन से करो आर, फिर वन वन जा अगेन लेफ्ट साइड, राइट साइड चेक करो क्या था हमारे पास, एन स्क्वायर एज इट इज एन आर और एन आर टू एन आर और प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर और प्लस एन, यही है हमारे पास। अब चेक करो क्या कर सकते हो, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, ये तो एज इट इज रहेगा, क्यों भाई, ये क्या है एन स्क्वायर, सबको एक साइड ले आओ, प्लस टू आर से, ठीक है। अब आप चेक करो क्या कर रहे हो, इधर क्या रह गया एन स्क्वायर, ठीक है, ये टू एन आर इस साइड आएगा तो पहले से माइनस टू एन आर है तो माइनस, ठीक है, और क्या रह गया, माइनस टू आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, अच्छा ठीक है बेटे, प्लस हो जाएगा, फिर ये टू एन है और ये पहले से एन है तो एन माइनस टू एन और ये प्लस टू इधर आके इज इक्वल्स टू, चेक करो हमें क्या चाहिए था, तो एन स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, क्या यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, प्लीज़ देखो इधर यहाँ से तो माइनस n इज कॉमन तो यहाँ क्या रह गया 4r प्लस और आपके पास क्या रह गया फिर r स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू, मेन जो लाइन है आपकी बेटे वो ये है बस।
दीज आर इन ए पी, आप ये लिखना सीख लीजिए, बाकी तो आप सॉल्व करते गए फ्लो में सॉल्व।